हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आरवी पब्लिक स्कूल से रिक्रूटमेंट आ चुकी है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू मोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं APS से आए हुए रिक्रूटमेंट की। तो देखिए, आपको यहाँ पे TGT, PGT, PRT की रिक्रूटमेंट दिख जाएगी। तो देखो, यहाँ पे जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको कोने में दिख रही होगी, ये देख लो, लेटेस्ट अपडेट वाला सेक्शन। और यहाँ पे क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड करोगे, जहाँ पे डिटेल्स में सारी बातें बता दी गई है। तो चलिए PDF को हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप वन बाय वन सारी चीज़ों को देख पाओगे। तो देखिए, एडॉक में जो रिक्रूटमेंट आई है वो PGT के लिए रिक्रूटमेंट आई है, फिजिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश के लिए। और यहाँ पे CSB कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आई रिपीट, CSB कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आगे देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए TGT में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन टीचर, कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट आई है। और यहाँ पे याद रखिए, CSB की ज़रूरत पड़ेगी। आगे देख लो, काउंसलर में अगर आपकी CSB कार्ड नहीं है काम चलेगा। PRTs के लिए देखिए, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट है, कंप्यूटर साइंस की भी है, PTI की भी है, और वैलिड CSB कार्ड होल्डर पार्ट ए जिन्होंने पास किया है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जो CSB कार्ड है वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। म्यूजिक एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की भी रिक्रूटमेंट आई है, लेकिन CSB कार्ड की ज़रूरत नहीं है। नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर मैं बात करूँ तो हेड क्लर्क, अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइज़र, UDC, LDC की भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। क्वालिफिकेशन के लिए मैं बता दूँ, 50% एटलीस्ट आपका होना चाहिए। CTET के लिए 60% की मांग रखी गई है। अब देखिए, अप्लाई कैसे करोगे और क्या क्या बातें दी गई है यहाँ से देख लो आप। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 57 ईयर्स का एज, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 40 से 57 के बीच में हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं वेबसाइट की, तो देखिए वेबसाइट ये रहा, यहां से आप जो है वेबसाइट को देख पाओगे। पेन पेपर पे नोट कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है आर्मी पब्लिक स्कूल मऊ के नाम से, और इंटरव्यू की जो टेंटेटिव डेट है वो 28, 29, 30 अप्रैल रखी गई है। अप्लीकेशन हार्ड फॉर्म में ही भेजना, यानी कि आप पोस्ट से भेज सकते हो या फिर आप खुद जाकर ऑफिस में दे सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है, ईमेल वाली सुविधा नहीं है। 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है आर्मी पब्लिक स्कूल मऊ के नाम से। ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है, मोबाइल नंबर सबसे पहले देख लीजिए आप, 7770974660, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आर्मी पब्लिक स्कूल मऊ मध्य प्रदेश से रिक्रूटमेंट आई हुई है, आप अप्लाई कर लीजिए अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।